हेलो फ्रेंड्स, जॉब सरदार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चले चलते सीधे वीडियो पर। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में टोटल 153 देश शामिल किए गए थे। इस रिपोर्ट में पहली बार शहरों को भी शामिल किया है, इससे शहरों की व्यक्तिपरक भलाई को प्रोत्साहन मिलेगी। इस वर्ष की रिपोर्ट विशेष रूप से सामाजिक, शहरी, पर्यावरण और प्राकृतिक कारणों पर केंद्रित है। तो देशों की रैंकिंग की बात करें तो फिनलैंड जो है लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, आइसलैंड जो है चौथे स्थान पर रहा। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें रिपोर्ट में 144वें स्थान पर रहा, जो 2019 की रिपोर्ट में 140वें स्थान पर था। वहीं पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान का 66वें स्थान पर रहा, नेपाल जो है 92वें स्थान पर रहा, चीन 94वें स्थान पर रहा, बांग्लादेश का स्थान 107वां है, श्रीलंका का स्थान 130वां है और यूनाइटेड किंगडम जो है 13वें स्थान पर है। वही यूएसए जो है 18वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पर अर्थात 153वीं रैंकिंग अफगानिस्तान ने हासिल की। वहीं शहरों की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी का फर्स्ट प्लेस पर है, डेनमार्क का आरोस शहर जो है सेकेंड स्थान पर है, वहीं न्यूजीलैंड का वेलिंगटन शहर जो है थर्ड प्लेस पर है, अफगानिस्तान का काबुल 186वें स्थान पर सबसे नाखुश शहर की श्रेणी में आता है, भारत की राजधानी दिल्ली 180वें स्थान पर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को 6 मानदंडों पर तैयार किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। पहला है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, दूसरा है सामाजिक रिपोर्ट, तीसरा है प्रति व्यक्ति जीडीपी, चौथा है आज़ादी, पांचवा है उदारता, छठवां है भ्रष्टाचार की समाप्ति। 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी पहली बार। यह रिपोर्ट अर्थात 2020 की 8वीं रिपोर्ट है। भूटान ने 2011 में विश्व खुशी दिवस का प्रस्ताव रखा था। भूटान ने 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खुशी दिवस के रूप में घोषित किया। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2020 की जो थीम थी वो थी हैप्पीनेस फॉर ऑल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हैप्पीनेस फॉर ऑल इसकी थीम थी। इसी प्रकार 20 मार्च 2020 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।